तो दोस्तों जोहार मधुमिता, हाँ, जोहार बोलिए। हाँ, देखिए मेरे साथ मेरे, हाँ, दोनों साइड में, हाँ, गूगल है, एविर है, हाँ, एक साथ उन लोगों को नहीं बैठा, झगड़ा करते हैं, हाँ, दोनों साइड में, दोनों को मैं बीच में बैठ गई। हाँ, और एविर को पीछे इसलिए धकेला है कि आज हमारे साथ हैं फ्रंट सीट पे पम्मी बहन। पम्मी बहन ये हैं, और पम्मी बहन की ये छोटी है, जोहार पम्मी बहन। और हम लोग जा रहे हैं, ओ अच्छा तुम भी जोहार बोल रहा है, जोहार जोहार। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं एक स्कूल में, और वो जंगल के बीच में एक स्कूल है, और उस स्कूल में किस तरीके से बच्चों को मिड डे मील मिलता है, और बच्चे किस तरह से पढ़ाई में हैं, जगह कितनी सुंदर है, और जगह किस जिला में है, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ जाकर बात करेंगे, और खाना भी खाएंगे वहाँ पर, किस तरह का खाना है, बच्चों के साथ खाएंगे, कुछ शॉपिंग करते जाएंगे पम्मी बहन, वो भी शॉपिंग कर लेंगे हम, और सारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से पम्मी बहन बखूबी निभा रही हैं वो हम लोग देखेंगे, पम्मी बहन भी बताएंगे, हम लोग खुद भी देखेंगे वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, मधु दिलीप फूड एंड लाइफ, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत धन्यवाद, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और मिलते हैं अभी वीडियो में। पम्मी बहन इस सीट को छोड़कर गई है शॉपिंग करने अपने स्कूल के लिए, और एविड जो है जीत कर दिया था आगे बैठने के लिए फिर से, लेकिन मधुमिता कैसा लग रहा अपने प्यारे प्यारे दो बच्चों के साथ? पहला ट्रिप है इस तरह के, इस तरह का पहला ट्रिप है ना? थोड़ा है ताकि, हाँ, आगे जाके बहुत सारा ट्रिप हो कर पाए। एविड तो शांत है, हाँ, हाँ, गूगल थोड़ा सा वो है कि उसको अपना चीज, अपना बहुत ज्यादा अपने चीजों से वो बहुत परेशान है, कोई उसको चीजों में ना बैठे, एविड उसके मम्मी के गोदी में ना बैठे, और वो सोच रहा है कहाँ आ गए, कब घर जाएंगे, और गूगल थोड़ा सा एग्रेसिव है, वो सोच रहा है कि मेरा गाड़ी में कौन बैठ गया, मेरा मम्मी की गोदी में कौन बैठ गया, सब मेरा है, ऐसा सोचता है। कहाँ आ जा रहे? तो दोस्तों गाड़ी जब चले और अगर एविड माँ की गोद में है तो उसे तुरंत नींद आ जाती है। मुझे भी अपनी माँ की गोद में हमेशा नींद आती थी, और गाड़ी में चलते ही मुझे नींद आती थी। अभी क्या है कि अब गाड़ी चलाता हूँ तो नींद नहीं आती है मुझे। अब डाल्टनगंज का रास्ता छोड़कर हम लोग कांति फॉल के रास्ते में, हेसला के रास्ते में आ गए हैं। अच्छा, यूएमएस हेसला स्कूल की जाने का रास्ता, और इसी रास्ते से जाते हैं कांति फॉल। हाँ, कांति फॉल जाने का भी सेम तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल के प्रांगण में, कैंपस में, और गूगल एविड और छोटू नैनो को देखते ही स्कूल के छोटे छोटे बच्चे नैनो कार को घेर लिए हैं, एविड और गूगल के साथ प्यार से लगे हुए हैं। ये बच्चा भी कितना प्यारा है, एविड के जितना प्यारा एविड है उतना ही प्यारा ये बच्चा है। अब स्कूल के असेंबली है इसलिए मैं बच्चों को भेज रहा हूँ वहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, अब उतने जंगलों से होकर इधर पीछे हमारा छोटू नैनो है और गूगल एविड है पीछे, कहाँ है दिख रहा है, कौन कौन है, हाँ? ये एविड है। मैं अपने मित्रों को बता दूं, डॉग लवर्स पेट लवर्स को बता दूं कि ये चेन हमने इसलिए करके रखा है कि लिश अगर हम इनको डालते हैं तो ये काट कर फेंक देते हैं, बहुत सारे लिश बर्बाद कर चुके हैं ये। तो हम लोग आ चुके हैं, तो मधुमिता ये है स्कूल है, UPMC हेसला है ना, हेसला जगह है, ये पीछे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये पम्मी बहन इसी स्कूल में पढ़ाती हैं, और बच्चों के साथ हम लोग रहेंगे, हाँ, और उनके साथ उनसे बातें करेंगे, हाँ, हम उनका वो हमारे साथ क्या शेयर करते हैं, हम उनके साथ क्या शेयर करते हैं, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। इस लड़के ने ही पूरे स्कूल का अनुशासन बता दिया, हम अनजाने लोग वहाँ खड़े हैं और इसने फटाक से प्रणाम किया हमें। सारे बच्चों का असेंबली में मौन मतलब ध्यान लगाना है, इसके बाद प्रार्थना शुरू हो जाएगा। दे दे मेरे अंधेरों को ज्ञानी सवर, दे दे मेरे अंधेरों को। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमने एडिट करके छोटा कर दिया है क्योंकि सीमित अवधि में ही सारे कुछ को दिखाना है। यही दे, दे दे मेरे अंधेरों को ज्ञानी
दे दे मेरे अंधेरों को ज्ञान सवर, यही मांगते हम तुमसे वर, 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 यही मांगते हम तुमसे वर। बीस राम बीस राम सौधर सौधर राष्ट्रीय गाना शुरू करो। हमें खेद है कि हम राष्ट्रगान को अच्छी तरीके से ऑडिबल वे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए हम उसे यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्कूल जो क्लास शुरू होने से पहले ही जो असेंबली होता है, उसमें असेंबली में क्या है कि जितने भी आपने देखा कि प्रार्थना, उसके बाद पहले तो मेडिटेशन है उनका मौन धारण के साथ, और उसके बाद प्रार्थना है, और प्रार्थना के ठीक बाद है जनगण मन राष्ट्रीय गान, और उसके बाद जीके जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत सारी बातें ये लोग रिपीट करते हैं, हर रोज़ रिपीट करते हैं। जब ये हर रोज़ रिपीट करते तो ये पढ़ाई का अंश नहीं हुआ, ये रेगुलर प्रैक्टिस का हो गया, जिसकी वजह से इन्हें याद है। अनुराधा बहन, ये इस तरह का प्रैक्टिस इसी स्कूल में है या कहीं और भी है? ऐसे तो सारे स्कूल में कराना है, हाँ। लेकिन हम लोग को जैसा आदेश मिला है तो मैं लोग रेगुलर हूँ, और हम चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हर कुछ की जानकारी प्राप्त करते रहे, हाँ। और हमारे राज्य देश सभी का नॉलेज हो बच्चों पे। पीछे की ओर, दाहिने हाथ की ओर, दाहिने हाथ की ओर। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कमल। हाथी। बहुत अच्छी बात है कि ये शुरू में ही ये, हाँ, सारी चीज हो जाता है, ये क्या है? और एक सामूहिक जानकारी बच्चों को, हाँ, एक साथ, हाँ, मतलब कि इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लासेस, कि आप पहले में हो, नर्सरी में हो, केजी में हो, किस में हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी जनरल नॉलेज है जो हम लोग आजकल वीडियो में देखते हैं, लोगों को पता नहीं कौन कहाँ है। तो हमारे यहाँ पर ये बच्चे जो हैं इस जंगल के बीच में, इन्हें पता है कि ये किस जिला में है, ये किस प्रखंड में है, किस पंचायत में है, पूरे जिले में कितने प्रखंड है सारा पता है, सीएम कौन है पता है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है पता है। ये सब जानकारी कई लोगों को, बड़े बड़े लोगों को नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय स्कूल पे, हाँ, लेकिन ये चीज है उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेसला में। असेंबली का सेशन, सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद बच्चे अपने अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। क्योंकि क्लास वगैरह में अभी सारी पेंटिंग हो रही, तो अपना बस्ता लेके फिर से ये लोग धूप में बैठ जाएंगे। सारे लोग जाड़े की गुनगुनाती धूप में बाहर बैठकर क्लास करने का मज़ा ही अलग होता है। आप लोगों में से किन किन लोगों ने इस तरह से क्लास में बाहर धूप में बैठकर पढ़ाई की है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों ने कमेंट कर दिया कि हमारी छोटू नैनो में एक ड्राइवर है और एक खलासी है, मतलब हेल्पर है। एविड बैठा हुआ है ड्राइविंग की सीट पे और गूगल को बैठा दिया है खलासी की सीट पे। पहला अनुभव है कि वो लोग इस तरह से कार के अंदर बैठकर
सारे बच्चों को बाहर की एक्टिविटी को देख रहे हैं, और अभी तक हमने जो नोटिस किया उन्होंने एक बार भी हंगामा नहीं मचाया है। दोस्तों, ये है लातेहार जिला। लातेहार जिला झारखंड का सबसे खूबसूरत जिला है, और क्या तोड़ने, कानून तोड़ने। यहीं पर सबसे ज्यादा वाटरफॉल, सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस, नेतरहाट, महुआ डांड, जंगल सबसे घने हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चे किस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, किस तरह से हम लोग जंगल में जंगली फल तोड़ने गए हैं, और किस तरह से हम लोग मिड डे मील, इतना शानदार मिड डे मील सबों के साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।